जी हाँ, कुछ ऐसी आंगनबाड़ियां हैं जिनके लिए इमारतें तो हैं पर आज भी वहां कार्यकर्ता रहती हैं अदृश्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी और खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कोरिया जिले में आने वाली ग्राम पंचायत के बारे में जहां रहते हैं काम करने वाले लोग अदृश्य। देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ठगगांव में जब एमकेएन संवाददाता ने 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया तो देखने में आया कि ज्यादातर आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नहीं रही। कुछ में सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिली, साथ ही कुछ आंगनबाड़ी में बच्चों की भी उपस्थिति नहीं रही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में महज खाना पूर्ति की जा रही है। आने वाला ग्राम पंचायत ठगांव में आए हुए, जैसे कि आपको बता दें कि ग्राम पंचायत ठगांव में लगभग कुल मिला के यदि बात की जाए तो 9 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। आज हम ठगांव के आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा ले लेके निकले हुए हैं। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों में ये देखा गया है कि या तो बच्चे नहीं हैं या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। बड़ी विडम्बना के साथ कहना पड़ता है कि जहां शासन प्रशासन इतना पैसा देकर आंगनबाड़ी केंद्र को मजबूत बना रही है और बच्चों के साथ ही अन्य महिलाओं को भी आगे करने के लिए अनेक योजनाएं लाई हैं, लेकिन बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत ठगांव के 9 आंगनबाड़ी केंद्रों में यदि देखा गया है तो या तो बच्चे नहीं है या सहायिका नहीं है या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है। कहीं शिकायत हम कर देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई न हो जाए, लेकिन शासन प्रशासन की कब आंखें खुलती है इन आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर ग्राम पंचायत ठगांव के अंतर्गत आने वाले 9 आंगनबाड़ी केंद्रों पर। एमकेएन न्यूज के लिए कोरिया से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। गौरतलब है कि नियम के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र 10 बजे से 3 बजे तक खुलना होता है, साथ ही बच्चों को केंद्रों में पढ़ने हेतु उपस्थिति होनी है। इसके साथ दोपहर का भोजन बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर करते हैं, लेकिन ठगगांव ग्राम पंचायत के 9 आंगनबाड़ी केंद्रों के ज्यादातर केंद्रों पर लापरवाही साफ साफ दिख रही है। अब देखना होगा कि ठगगांव ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रही लापरवाही पर अधिकारी कब संज्ञान लेते हैं, ये तो समय ही बता पाएगा। नहीं, यूं तो बता रहे हैं कि हम लोग खाना बना लेते हैं, इसके बाद जाते हैं बच्चे लोग को लेने फिर खिला पिला के उसके घर पहुँचा देते हैं। मैडम कहाँ है? अपने घर में है। क्यों नहीं आई आंगनबाड़ी में? उनको रहना चाहिए ना टाइम से, उनके घर में मेहमान थे तो आंगनबाड़ी में नहीं आई। क्या बोली मैडम? हम बोले कि हम लोग आज नहीं जाएंगे, हम लोग घर मेहमान हैं, तुम लोग देखेंगे इसे करके। बीच में बच्चे लोग आते हैं कि नहीं आते पढ़ने लिखने? अभी दिख नहीं रहे बच्चे भी, अभी नहीं लाए हैं जिसे। खाना बन जाएगा तब बुलाएंगे, फिर बुलाएंगे बाद में। खाना खिला के फिर भेज देते हैं। तो ये बड़ा मामला है, बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से, जहाँ की ठगगांव ग्राम पंचायत में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिकाएं नहीं हैं, कई ऐसे भी हैं जहाँ बच्चे ही नहीं हैं। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में, जहाँ से ये बड़ी खबर है। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश चंद्र जुड़ चुके हैं कोरिया से। अविनाश, क्या है पूरा मामला बताइए। जी दिव्यांशु, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला जनपद पंचायत खड़गवा का एक ग्राम पंचायत है ठगांव जी। यहाँ पर पूरे ठगांव पंचायत में 9 आंगनबाड़ी वर्तमान समय में कार्यरत है, लेकिन जब हमने 3 दिन से लेकर 4 दिन तक 9 आंगनबाड़ियों का हमने जायजा लिया तो वहाँ पर ये देखा गया कि लगभग 50-60% जो आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं वो नदारद दिखे हैं। जब इनके अधिकारियों से बात किया गया है तो उनका भी ये कहना था कि अभी हमारी जानकारी नहीं आया है और जैसे जानकारी में आएगा तो हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन बड़ी बात इस दिव्यांशु आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र में जहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको दोपहर का भोजन दिया जाता है, साथ ही अन्य महिलाओं को भी जो सामाजिक महिलाएं रहती हैं उनको भी आगे बढ़ाने के बहुत सारी शासन की योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन शासन जहां अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो कर रहा है लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नदारद रहना, अनुपस्थित रहना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करता है स्थानीय प्रशासन को लेकर। जी दिव्यांशु,
अविनाश, ये जो स्थिति है ये कब से है, मतलब कितने समय से ये लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो नदारद हैं? जी दिव्यांशु जी, इसमें बताना चाहेंगे कि जो ये आंगनबाड़ी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गायब रहते हैं या ये सही समय पे नहीं रहते हैं, 10 बजे से 3 बजे तक आंगनबाड़ी खुलना रहता है, ये कभी 12 बजे जाएंगे तो 2 बजे वापस हो जाते हैं, इनकी शिकायतें ग्रामीणों के द्वारा बताई गई थी कि यहाँ पर आंगनबाड़ी जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं ये सही टाइम से और पूरे टाइम जो उनको देना चाहिए उस टाइम पर ये लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके लेकर हमने पूरी तफ्तीश से इसकी जानकारी जब प्राप्त किया तो वहाँ से पता चला कि वाकई में आंगनबाड़ी 9 आंगनबाड़ी केंद्रों में से बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर सिर्फ सहायिकाएं काम कर रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगभग नदाद रहते हैं या जो 10 बजे से टाइम है वो अपना 12 बजे 1 बजे टाइम में आएंगी, आधा घंटा 1 घंटा रहेंगे, उसके बाद वो फिर पुनः चले जाते हैं। कार्यालय खोलने की जिम्मेदारी सहायिका से रहता है, सहायिका कार्यालय खोलेगी आंगनबाड़ी का, इसके बाद बंद भी करती हैं वही लोग और इसके बाद चले जाते हैं। शिकायतें दिव्यांशु जी काफी दिन से आ रही थी, लेकिन जब देखा गया तो वाकई में ये पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने आंगनबाड़ी केंद्रों से नदार रहती है। जी जी अविनाश, किसी उच्च अधिकारी ने अभी तक निरीक्षण किया है वहां का? जी अधिकारियों से बात किया गया तो अधिकारियों का ये कहना था कि अभी हमारे संज्ञान में ऐसी जानकारी आई नहीं थी, और ऐसी जानकारी यदि आई है तो उसका जरूर हम सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करेंगे, यदि इस प्रकार कोई दोषी पाए जाते हैं तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। जी अविनाश, प्रथम दृष्टया क्या कारण निकल के आ रहा है कि क्यों अनुपस्थिति रहती है, क्यों नदारद रहती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? जी जैसे इसमें देखने पे ही लगता है कि ये लोग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की हैं और खुद का इस प्रकार के ये लोग मोटो वहाँ पे बना के रख लिए हैं कि हम जाएंगे तो होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। इनका सीधा कहना है कि हम जाते हैं 1 घंटा के लिए, जाएंगे 2 घंटा के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी अंचल से लगा हुआ होने के कारण से तो शहर में भी कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग रहते हैं जो टाइम से उनको पहुंचना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वो कह सकते हैं कि वो अपनी दबदबा बनाते हुए वहां पर नहीं जाते हैं कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, प्रशासनिक अमला हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसा देखा गया ग्रामीणों के द्वारा ही देखा गया कि नहीं ये लोग सही टाइम पे आते नहीं है और ना आने के कारण से आंगनबाड़ी का कार्य भी बाधित होता है तो उन्होंने शिकायत किया है, जिसके कारण से ये पता चल पाया है कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित समय पे नहीं रहते हैं। जी दिव्यांश। अविनाश, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्या उनमें सुविधाओं का अभाव है जिसके चलते वो अनुपस्थित रहती हैं? जी दिव्यांशु जी, इसमें देखें हम लोग जब इसका तफ्तीश करने गए थे तो वहाँ पर 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का हमने जायजा लिया था, जिसमें काफी बिल्डिंग में देखा गया कि वहाँ पर पंखे नहीं है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। जब पूछा गया कि पंखे आखिर क्यों नहीं है तो बोला गया कि पंखे खराब हो गए हैं, लेकिन ये कब से खराब है, क्यों नहीं बने हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पंखे नहीं रहेंगे तो बच्चे तो दूर की बात है, वहाँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो तक वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करेंगे, और दूसरी बात ये है कि पानी हो गया, शुद्ध पानी वहाँ पर मुहैया नहीं होता है, हैंडपंप का पानी आता है वो पानी शुद्ध रहता है कि नहीं रहता है, ये बहुत सारी ऐसी कमियां देखने को मिली है जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंचते हैं, क्यों टाइम पे नहीं देते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके साथ में जुड़े हुए उनके उच्च अधिकारी भी संगीतता तो नहीं है कि हम 2 घंटा जाएंगे 1 घंटा जाके वहाँ पे काम करके हम चले आएंगे, 10 से 3 हमको नहीं रहना है, इस प्रकार की यहाँ पे देखा गया है। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये पता चला कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं ठग्गांव ग्राम पंचायत में, वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही नदारद हैं, अनुपस्थित हैं, और कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पर नहीं आ रहे हैं, आते हैं और खाना पूर्ति करके चली जाती हैं, इस तरह की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है, जिस वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम है अपनी ड्यूटी निभाना, उनका जो समय निर्धारित किया गया है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि वो अपने मन मर्जी से आती हैं और 1-2 घंटा रुक करके और चली जाती हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले से, कोरिया ज़िले की जो ग्राम पंचायत ठग्गांव है वहाँ से ये बात निकल करके सामने आई है। MKN ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखा तो इस तरह की बात सामने आई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बड़ी लापरवाही की जा रही है, और प्रशासन का भी जो उदासीन रवैया है वो भी देखने में आ रहा है।
अधिकारियों का कहना यह है कि उनके संज्ञान में ये बात अभी तक आई ही नहीं थी, और आज इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले के ठग्गांव ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये देखने में आया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित ही नहीं रहती हैं, अनुपस्थित रहती हैं, नदारद रहती हैं, जिस वजह से जो बच्चे वहाँ पे हैं, कई बार तो बच्चे भी देखने में नहीं मिलते हैं। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र तो है, लेकिन वहाँ पर जिन लोगों को होना चाहिए वो ही वहाँ पर नहीं है। ये बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले से। कोरिया ज़िले की जो ग्राम पंचायत ठग्गांव है, वहाँ का ये मामला है। ग्राउंड ज़ीरो पर MKN ने जब रिपोर्टिंग की तो ये बात पता चली, ये बात सामने आई कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं नदारद हैं, अनुपस्थित हैं। उपस्थित ना होने की वजह से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन कई बार ये भी देखने में आता है कि वो अपने मनमर्जी के मुताबिक आती हैं और एक या दो घंटे रुक करके और चली जाती हैं। एक तरफ शासन सरकार लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को किसी तरीके से शिक्षा से जोड़ा जाए, न सिर्फ शिक्षा से बल्कि दोपहर का जो भोजन है, मध्यान्ह भोजन, वो भी उन बच्चों को वहाँ मिलता है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ये बड़ी लापरवाही है जो देखने को मिल रही है। 9 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है, ग्राम पंचायत ठग्गांव छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में, जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, महज खाना पूर्ति की जा रही है। ग्राउंड ज़ीरो से MKN की रिपोर्ट है, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर खाना पूर्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले की ठग्गांव पंचायत क्षेत्र का ये मामला है, जिसे आज हम प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, बड़ा मामला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गायब होना, अनुपस्थित होना, ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हो रही है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ठग्गांव में जब MKN संवाददाता ने 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया तो देखने में आया कि ज्यादातर आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नहीं रही। कुछ में सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिली, साथ ही कुछ आंगनबाड़ी में बच्चों की भी उपस्थिति नहीं रही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में महज खाना पूर्ति की जा रही है। तगत आने वाला ग्राम पंचायत ठग्गांव में आए हुए, जैसे कि आपको बता दें कि ग्राम पंचायत ठग्गांव में लगभग कुल मिला के यदि बात की जाए तो 9 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। आज हम ठग्गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा ले लेके निकले हुए हैं। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों में ये देखा गया है कि या तो बच्चे नहीं हैं या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। बड़ी विडम्बना के साथ कहना पड़ता है कि जहां शासन प्रशासन इतना पैसा देकर आंगनबाड़ी केंद्र को मजबूत बना रही है और बच्चों के साथ ही अन्य महिलाओं को भी आगे करने के लिए अनेक योजनाएं लाई हैं, लेकिन बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत ठग्गांव के 9 आंगनबाड़ी केंद्रों में यदि देखा गया है तो या तो बच्चे नहीं है या सहायिका नहीं है या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है। कहीं शिकायत हम कर देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई न हो जाए, लेकिन शासन प्रशासन की कब आंखें खुलती है इन आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर ग्राम पंचायत ठग्गांव के अंतर्गत आने वाले 9 आंगनबाड़ी केंद्रों पर। MKN न्यूज के लिए कोरिया से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। गौरतलब है कि नियम के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र 10 बजे से 3 बजे तक खुलना होता है, साथ ही बच्चों को केंद्रों में पढ़ने हेतु उपस्थिति होनी है। इसके साथ दोपहर का भोजन बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर करते हैं, लेकिन ठग्गांव ग्राम पंचायत के 9 आंगनबाड़ी केंद्रों के ज्यादातर केंद्रों पर लापरवाही साफ साफ दिख रही है। अब देखना होगा कि ठग्गांव ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रही लापरवाही पर अधिकारी कब संज्ञान लेते हैं, ये तो समय ही बता पाएगा। नहीं, ये तो बता रहे हैं कि हम लोग खाना बना लेते हैं, इसके बाद जाते हैं बच्चे लोग को लेने, फिर खिला पिला के उसके घर पहुंचा देते हैं। मैडम कहाँ है? अपने घर में है। क्यों नहीं आई आंगनबाड़ी में? उनको रहना चाहिए ना टाइम से, उनके घर में मेहमान थे तो आंगनबाड़ी में नहीं आई। क्या बोली मैडम? हम बोले कि हम लोग आज नहीं जाएंगे, हम लोग घर मेहमान हैं तो हम लोग देखेंगे इसे करके।
बीच में बच्चे लोग आते हैं कि नहीं आते पढ़ने लिखने? अभी दिख नहीं रहे बच्चे भी? अभी नहीं लाए हैं, जिसे खाना बन जाएगा तब बुलाएंगे। हाँ, फिर बुलाएंगे बाद में। खाना खिला के फिर भेज देते हैं। तुरंत भेज देते हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के ठग्गांव पंचायत क्षेत्र का ये मामला है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों में खाना पूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही उपस्थित नहीं हैं, जिसके चलते इस तरह की बात सामने आ रही है। ऐसे कई आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 9 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनकी अगर बात की जाए तो वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं पहुँच रही हैं। अपने मनमर्जी के समय के हिसाब से वो आती हैं और 1 या 2 घंटे रुक करके चली जाती हैं। जो समय निर्धारित किया गया है वो समय है 10:00 से लेकर के 3:00 तक का, क्योंकि बच्चे इन आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई करते हैं। ना सिर्फ पढ़ाई करते हैं बल्कि उन्हें मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। एक और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके, जिसके लिए अलग अलग तरह की योजनाएँ और तमाम पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन इस तरह की जब बात सामने आती है तो ये भी देखने में मिलता है कि कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। और इसी विषय पर हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं अविनाश चंद्र कोरिया से। अविनाश, ग्रामीणों की तरफ से शिकायत की गई है इस मामले को लेकर के? जी, ग्रामीणों ने हमको एक सूचना दिया था कि हमारे यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाते हैं। जब इसकी हमने जानकारी ली और साथ ही हमने एमकेएन में इस मुद्दे को एक गंभीर मुद्दा बनाते हुए हमने इसको चालू कराया, साथ में यहाँ के अधिकारी जो उनसे संबंधित अधिकारी है उनसे भी हम उनके राय जानने के लिए भी बात किए कि आखिर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने समय पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जब उनको पता चला कि मीडिया इसमें दखलंदाजी दे रही है, साथ ही हमारे एमकेएन इनसाइड में ये प्रोग्राम चलने वाला है जबकि उनको भी जोड़ा गया था कि आप अपनी बात को रखिए, आखिर इस प्रकार की लापरवाही क्यों हो रही है। लेकिन सही टाइम पे जब इनको जवाब देना रहता है तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई बहाना मार के किनारे हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते फिरते रहते हैं। जी दिव्यांशु, तो इस तरह का जो रवैया देखने में आ रहा है कि वो जिम्मेदारी से बचते फिर रहे हैं, तो इसे लेकर के क्या वहाँ के जो विधायक हैं या वहाँ के जो सांसदगण हैं उन्होंने एक भी बार इसको इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने की कोशिश किया, उन्होंने एक बार भी देखने की कोशिश की, वहाँ निरीक्षण किया है? जी मैं बताना चाहूंगा, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में इसीलिए इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या अन्य कोई भी विभाग रहते हैं तो उनके मन इसलिए बढ़े रहते हैं, उनकी हिम्मत इस प्रकार से आगे बढ़ी रहती है चूंकि ग्रामीण क्षेत्र रहता है, अधिकारी वर्ग का आना जाना बहुत कम रहता है और जिस दिन कोई कार्यक्रम रहता है आंगनबाड़ी से संबंधित या कोई अधिकारी आने वाले रहते हैं तो ये लोग सुबह 9:00 से ही अपना डेरा जमा लेते हैं, ऐसा बताते रहते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग अपने आंगनबाड़ी के प्रति काफी सजग हैं और हर एक जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं। लेकिन जब इनकी पोल खुलने लगती है कि वाकई में ये इनका जो टाइम है उस टाइम पे लोग पहुंचते नहीं, पूरा आंगनबाड़ी जो टाइम देना है वो दे नहीं पाते हैं, और जब मीडिया दखलंदाजी देती है और जब जिम्मेदार व्यक्तियों से प्रश्न किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये अपने प्रश्न से और जिम्मेदारी से किनारा काटते नजर आते हैं, ना ही किसी प्रकार का मीडिया बाइट देना चाहते हैं और ना ही किसी जिम्मेदारी को लेकर मीडिया के सामने खड़ा होना चाहते हैं। जी दिव्यांशु, अविनाश, क्या ग्रामीणों ने लिखित में शिकायत की है इस पूरे मामले की? लिखित में शिकायत नहीं की है क्योंकि मीडिया का एक अपना जिम्मेदारी रहता है कि अगर कोई समाज में हमारे कुछ चीज गड़बड़ चल रही है तो उनको एक मीडिया से आस बन जाती है कि चलो हम मीडिया को बताएंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारी इनकी बात को संज्ञान में लेंगे और इस जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, जो गड़बड़ियां चल रही हैं, इस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि मीडिया में बात आने पर ये बात जब समाचार के थ्रू जा रहा है, अधिकारियों से बात किया गया है, तो जब जिम्मेदारी लेकर बात करना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से किनारा काट रहे हैं। जी दिव्यांश, अविनाश, इस पूरे मामले को लेकर के आपने सरपंच से बात की है? गांव के जो सरपंच है उनसे आपने बात की है? जी सरपंच से बात तो फोन में बात करना चाहा, उनके घर भी गए थे तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, साथ ही फोन भी हमारा रिसीव नहीं किए उन्होंने, और उप सरपंच से बात हुआ था, उप सरपंच का भी ये कहना था कि यहाँ पर गड़बड़ियां चल रही हैं, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहुँचना चाहिए और वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन
सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये निकल के आ रही दिव्यांशु जी कि जब आंगनबाड़ी केंद्र को पूरी जिम्मेदारी दी गई है बच्चों से लेकर हर चीज का, एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है कि वो आंगनबाड़ी केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करता रहे। दोपहर के समय में पर्यवेक्षक से भी बात हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि हमारी जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार का हो रहा है, लेकिन जब पर्यवेक्षक का वहां पर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दिया गया तो ये ताजू की बात है, उनको कैसे नहीं पता चलेगा। और जब हम मीडिया से सवाल पर भी बात किए थे कि हाँ हमारे एनकेएन चैनल में इस चीज को हम प्रमुखता से रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिएगा कि आखिर इस प्रकार की गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हाँ हम अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जब समय आता है, जब जवाबदारी बनती है, जिनकी जवाबदेही बनती है, वो जवाब देने से कहीं ना कहीं कतराने लगते हैं। जी दिव्यांशु। और अविनाश, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, क्या आपने उनसे बात की, इस बारे में कोई चर्चा की है आपने? हाँ, उनसे भी बात किए थे। मनोज खलखो जी हैं जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुआ था हमारा। उन्होंने कहा था कि अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, तो हमने कहा था कि काफी दिन से हम इसको तफ्तीश कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वो टाइम दिया गया उस टाइम पे पहुंच पाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी जानकारी में है नहीं, तो हमने बताया कि हमारे यहाँ हमने 3 से 4 दिन तक आपके 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया है, जहाँ पर ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में ये देखने को मिला है कि समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं और समय से पहले वो चले भी जाते हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए भी हमने बोला कि आप अपनी बात को रखिए हमारे पास, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन जब सही वक्त आता है कि अपनी बात को रखना है तो कहीं ना कहीं ना फोन उठाना होता है ना ही मीडिया के सामने अपनी बात को रख पाते हैं। जी दिव्यांशु। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा मामला है, बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की ठग्गांव ग्राम पंचायत है जहाँ का ये मामला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नदारद हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसा देखने में आ रहा है कि समय पर नहीं आती हैं और अपने मनमर्जी के हिसाब से आती हैं, 1-2 घंटे रुक करके और चली जाती हैं। तो आज फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब आप एमकेएन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए एमकेएन के साथ। नमस्कार।